हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एल डब्ल्यू डी जॉब में एन की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिल्कुल परमानेंट पोस्ट रहने वाली है वोमेन एस सी कोई फीस नहीं है 36 सब्जेक्ट में जो है वो वैकेंसी है तो इन जो है सब्जेक्ट को हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट वाइज क्या मांगी गई है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है सैलरी काफी अच्छी रहने वाली है प्रोफेसर की सैलरी जो है नोटिफिकेशन में आप देखेगा लेवल फोर्टीन के अकॉर्डिंग है और एसोसिएट प्रोफेसर की थर्टीन uh, के अकॉर्डिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है लेवल टेन के अकॉर्डिंग है काफी अच्छी सैलरी है प्रोफेसर की सैलरी वन लैख से अबव है तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा जो भी क्वेश्चन इस वैकेंसी से संबंधित रहेंगे वो आप लोगों के क्लियर होंगे आपको आंसर जो है इसी में मिलेगा वीडियो अंत तक देखें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बुक्स आप जो है वो पढ़ते ही हैं पढ़ते ही चले आ रहे हैं एनसीआरटी की तो यहाँ जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी आई है ठीक है जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे लेटेस्ट अपडेट में ये देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को नजर आएगा और ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीआर की तरफ से लगातार जो है वो वैकेंसी जारी होती ही रहती है कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती है कुछ परमानेंट वैकेंसी आती है ये वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट है तो इसमें जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 174 सेवेंटी फोर ऑब्लिक टू फॉर फिलिंग अ वैकेंट अकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक रहेंगे तो अप्लाय नाव का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है इस पर आप लोग अप्लाई कर लेंगे फिलहाल जो है हम देख लेते हैं विज्ञापन पूरी जानकारी के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर जो है कुल cool 36 सब्जेक्ट में वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की कंप्यूटर एजुकेशन की संस्कृत की आर्ट एजुकेशन फूड एंड न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी में होम साइंस स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर जूलॉजी फिजिक्स आर्ट्स वोकेशनल एजुकेशन लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट केमिस्ट्री बॉटनी इकोनॉमिक्स हिंदी साइकोलॉजी या एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग साइकोलॉजी इसमें साइकोलॉजी एजुकेशन में और एक सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशनल साइकोलॉजी सिक्योरिटी या डिफेंस साइंस या मिलिट्री साइंस ये बहुत कम जो है देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आईटी टी एनर्जी उसके बाद जो है जोग्राफी है पॉपुलेशन स्टडीज है उर्दू सब्जेक्ट है एजुकेशन के जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं एजुकेशन में आप देख लें Uh, जैसे कि वुमेन स्टडीज जेंडर स्टडीज गर्ल्स एजुकेशन एम्पावरमेंट है पीस टीचर ट्रेनिंग गाइडेंस काउंसलिंग है मैथमेटिक्स एजुकेशन है साइंस एजुकेशन टीचर एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन कंपैरेटिव एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वोकेशनल एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ये सभी जो है एजुकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत है पॉलिटिकल साइंस है सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री है ठीक है ये सब्जेक्ट है तो इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 123 है ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है जैसे सोशियोलॉजी में एससी कैटेगरी की एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की एक है और ओबीसी की एक है पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी के अंदर एक वैकेंसी है प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है ऐसे ही जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप देख लेते हैं इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए अगर प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी दोनों तो आप सभी जानते हैं प्रोफेसर के लिए जो है आपके पास मास्टर डिग्री पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाई आप हैं और 10 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपका इसमें होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है पीएचडी वाले और मास्टर डिग्री uh, 55 परसेंट मार्क्स के साथ में और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं आठ साल के अनुभव के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री आपकी 55 परसेंट मार्क्स के साथ में होनी चाहिए आपने नेट स्लैट, सेट क्वालिफाई किया है या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने एडमिशन लिया है पीएचडी में तो भी आप इसमें अप्लाई करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी होनी चाहिए ठीक है और पीएचडी वाले जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं पे स्केल काफी अच्छा है प्रोफेसर के लिए पे स्केल जो है वो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड है असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो पे स्केल है फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड है ठीक है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं जिनका नेट क्वालिफाई है सेट क्वालिफाई है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पीएचडी वाले और प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी के साथ में जो है दस साल का अनुभव आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने पढ़ाया हो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर या रिसर्च एक्सपीरियंस लेवल पर ठीक है लास्ट डेट जो है देख लेते हैं और फीस जो है दोबारा से आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी फीस जो है ये कह रहे हैं एस सी एस टी वुमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए जो भी आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो 16 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ई के लिए बाकी वुमेन कैंडिडेट एस सी एस कोई फीस नहीं है तो वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है बाकी जो है अगर आप अप्लाई करेंगे तो पूरी पी फाइल को पढ़ना है उसके बाद अप्लाई करना है अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो मैंने बता दिया जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट नंबर 174 सेवेंटी फोर ऑब्लिक टू इसके आगे ही जो है अप्लाई का ऑप्शन रहेगा इस पर बस क्लिक कर लेंगे ये देखिए ठीक है थीके? और अप्लाई कर देना है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ थैंक यू